दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका दयावती जी, जय हिंद। थैंक यू भाई साहब। कैसे हैं भाई साहब? मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ, आप बताइए। हाँ हम भी ठीक है भाई साहब, भगवान की कृपा है और आपका भी आशीर्वाद है। जी एक सवाल है भाई साहब, ये नशे है ना, नशे, एक बच्चा है 37 साल का, उसको ना नीचे बाथरूम की जगह नशे, डॉक्टर बोल रहे कच्ची होगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका क्या इलाज है? उससे कोई परेशानी है क्या उसको? उसको दर्द है। अच्छा, दर्द है। देखिए, उनकी पूरी रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी आपको बच्चे की, क्योंकि वो हमारी आपकी नज़र में बच्चा है, लेकिन वो बड़े हैं और क्या प्रॉब्लम है ये समझनी पड़ेगी। और चाहें तो उनकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वो लेकर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लें। इतनी जल्दी फैसला ठीक नहीं है, फिर कुछ उनको इनके लिए हम कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। और सवाल ये है भाई साहब, एक बच्चा और है मेरे बेटे के फ्रेंड है ये, एक उसकी रीढ़ की हड्डी, वो कुछ वजन एक्सरसाइज कर रहा था तो उठा लिया तो रीढ़ की हड्डी, मैंने डिस्क की हड्डी दिखी, तो उसको बहुत पेन है काफी दिनों से, वो तो कल ही बात हो रही थी जब उसने बताई, तो मतलब मैं पूछ के दवाई बताऊंगी आपको। तो आपके पास है दवा? हाँ वो मैंने गोल किया है बताया था उनके लिए, तो मतलब क्या पता मेरा बेटा बोला तो एक बार पूछना हकीम साहब से। हाँ नहीं, इसके लिए ख़ास है, आप देखेंगे जब आपने उन्हें दी और वो 2-4 दिन में ही आपसे कहेंगे कि बहुत राहत है। ये बच्चे लोग अपनी इस्तेताद से ज़्यादा, अपनी शक्ति से ज़्यादा जब अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, हर चीज़ एक पै दर पै धीरे धीरे करनी चाहिए। तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ सरक जाती है, और नौजवान आदमी की हड्डी सरकना बेहिसाब पेन, दर्द की दवाएं भी खा रहे होंगे, लेकिन ये रोग ऐसा है यहाँ दर्द की दवाइयाँ भी नाकारा हो जाती हैं। यहाँ से यूनानी शुरू होती है, आप उन्हें आधा आधा ग्राम दें, 2 बार देना पड़े चाहे 3 बार देना पड़े, 5-5 घंटे के फ़र्क से, और नौजवान बच्चा दूध से दें और फौरन उनको देना शुरू करें, वो बच्चा बहुत जल्द ठीक होने वाला है। और देखें, वही वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें और वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और कम से कम 3-4 महीने इलाज करें। अगर वो देखिए, यंग बच्चे बहुत जल्दी अच्छे होते हैं, कोई 10-15 दिन में ही अच्छा हो जाए, तो फिर अपनी ना चलाए, उसको बोल दीजिए कि पूरा इलाज करके वो करे, नहीं तो ये बार बार होगा। और जब वेट लिफ्टिंग करते हैं बच्चे, तो करें तो कम कम करें ताकि वो हमेशा अच्छा रह सके। जी जयपुर से हैं अब्दुल रशीद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। अजीम साहब सलाम अलैकुम। जी आदाब, स्वागत है, वालेकुम सलाम। अजीम साहब, मैं चाहे खुजली से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पूरे जिस्म में इतनी खुजली चलती है कि मेरे पैरों के ऊपर तो काले 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 धब्बे पड़ गए, बहुत बड़े बड़े, और फिर अभी बीच में 2-4 दफे मैं आपके बराबर प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो आपने ये बताया था कि ये सौंफ और धनिया और मेथी और आंवला, ये अगर मैं वो नमक जैतून, ये मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार आप बताओ कि मेरी खुजली से इतनी क्यों परेशान है, मुझे रात को नींद नहीं आती और मेरे जिस्म की इतनी बुरी हालत हो रही है साहब, मेरी जो ये शर्मगाह है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा खुजली चल रही है, और इतना मैं परेशान हूँ खुजली से, और एक मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेहरबानी करो मुझे कुछ अच्छी सी दवा बताओ, और मेरे पास नमक जैतून और नमक कलौंजी दोनों मौजूद है, और एलोवेरा का सिरका भी मेरे पास मौजूद है, आप जो मुझे सजेस्ट करेंगे मैं वो दवा ले लूंगा। ठीक। मैं आपके यहाँ आपकी किसी ही दवा खाता हूँ 12 साल से, मैं किसी और की दवा नहीं लेता, एलोपैथिक दवाइयां मैं नहीं खाता, बहुत मजबूत हो जाता हूँ तो एंटी एलर्जी गोली ले लेता हूँ, उनसे बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। हाँ, एंटी एलर्जी भी ले सकते हैं कभी कभी, वो भी जरूर लीजिए, लेकिन वो जब भी लें रात में लें, क्योंकि इससे दिमाग सुन्न सा होता, नींद आती है। अगर मैं खा लूँ तो मुझे 2-3 दिन नींद आती है,
और नमक जैतून एक चुटकी, एक और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें, और आंवला, धनिया और ये जो नुस्खा है इसमें अलसी और मिला लें हल्का सा भूनकर, और इसका 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार, और ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथ दवा भी ले सकते हैं। ये तकरीबन 15 दिन ज़रूर खाएं, फ़ायदा हो तो फिर लंबा इलाज भी कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं देता। इसे भूख भी लगनी चाहिए और सुकून भी मिलना चाहिए, खुजली भी जानी चाहिए, खून साफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। एमपी से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैम। सर हमको सर से बात करना है। जी अनीता जी बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते। जय हिंद सर। हमारे 3 सवाल है सर। क्या है कि हमने आपने वो नुस्खा बताया था बेटी के लिए कि सर में डैंड्रफ आ रहा था सर, तो उसका डैंड्रफ तो खत्म हो गया सर, लगाते भी हैं घी और बार बार आ गया था सर, इस बार तो बहुत ज्यादा है, अभी बिल्कुल खत्म हो गया था सर लेकिन फिर से आ गया। और सर हम वो ले रहे हैं गौंतिया। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी तो गौंतिया ले रहे सर, और हमने उससे हमें बहुत आराम है, तो हम सोच रहे उसको 5-6 महीने खा ले सर, 3 महीने पूरे हो गए हैं, चौथा महीना चालू हो गया सर, तो अभी हम और दवाई मंगवाई थी सर, तो उसको हमने बना लिया है, तो हम 5 महीने उसको कंटिन्यू कर सकते सर। और वो मोरिंगा मंगाया सर, तो वो बाल झड़ने वाला है, तो हम इसके संग ले सकते हैं क्या सर? कौन सी है किसान जी? और कोई सवाल तो नहीं? हाँ देखिए, गौंद मोरिंगा ले सकते हैं, पानी, दूध या नारियल पानी के साथ, बस 1 ग्राम एक दिन में लें। और बहुत मुबारक आपको गौंदसिया ने फ़ायदा दिया, उसको भी आप अपनी जब तक ज़रूरत पूरी ना हो, आप पूरे ठीक ना हो जब तक ले सकते हैं। और बेटी का क्या सवाल था? डैंड्रफ। हाँ ये जो डैंड्रफ हो रहा है ना बच्ची को, इसको ये घी तो लगाते रहें, और ये अंदर से भी इलाज करें इसका। अंदर से इलाज के लिए एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं, और धनिया और अलसी का पाउडर बना लें, धनिया और अलसी को बहुत हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, और ये 1 चम्मच बच्ची खाए, और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के इसको खिलाना शुरू करें, और काफ़ी दिन खिलाना होगा, काफ़ी काफ़ी ये रोग जो है बड़ा जटिल है इसको, नहीं तो जिस घी वगैरह आप लगाते हैं ना उसी से लोगों को फ़ायदा हो जाता है, तो ये अंदरूनी भी है बाहरी भी है, तो उसको इस तरह करें, आप सबको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी सहारनपुर से हैं मदन पाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अफीम जी से बात करवा दूं हरी जी, स्वागत है आपका, जय हिंद भाई। हाँ नमस्ते जी। अरे एक तो मेरे कुल्लों में और ये टांगों में दर्द रहता है बहुत। क्या उम्र है आपकी, कब से दर्द है? मेरी 66 साल उम्र है जी। ठीक है। और एक मेरा पेट खराब रहता है जी। ठीक है ठीक है। देखो जी उधर के लोग मेहनती बहुत होते हैं, और ये मेहनती लोगों को हो जाता है कुल्लों में दर्द, और पेट को भी अच्छा होना मुमकिन है। आप नुस्खा लिख लें, अगर लिख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए दर्द के लिए तो एक आता है काला गौंद, आसान भाषा में कहते हैं काला गौंद, ये असली लेना ज़रूरी है, नकली बेहिसाब मिलता है। 0.5 ग्राम गौंद, काला गौंद या गौंद स्याह भी कहते हैं इसे, लेकिन हम दुकानदार पे जाते हैं ना मांगने के लिए, तो वो उससे कहते हैं काला गौंद या गौंद स्याह दे दे, तो वो एलवा पकड़ा देता है, ऐसा ना करें, एलवा नहीं है ये, या कोई और उससे मिलता जुलता काला सा पकड़ा देता है, ये गौंद है लेकिन अलग का किस्म का है, जायके में कड़वा होता है स्वाद में,
ये 15-16 रुपए का एक ग्राम आ जाता है, ये एक दिन की आपकी खुराक है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, कम चर्बी के दूध से या पानी से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद खा लें। इसे अगर असली मिल गया आपको तो 5-6 दिन में फ़ायदा शुरू करता है। और आपके लिए ख़ास हिदायत यह है कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला, नहीं तो इलाज ही शुरू ना करें, क्योंकि उस तरफ के लोग इस तरह के टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करते। आपके लिए ज़रूर चाहिए, दवा से भी ज़रूरी। और पेट अच्छा करना है तो एक नुस्खा अलग से बता रहा हूँ। देखिए सारी चीज़ें किचन की बता रहा हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें किचन में है। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये पाउडर बना लें। सबको बराबर बराबर वज़न में लेकर 100-100 ग्राम ले लें। और एक आता है नमक जैतून, बस एक चुटकी काफ़ी है, 2 गिलास पानी में डालें। और एक चम्मच ये जो 6 चीज़ों का आपने पाउडर बनाया खाकर ये पानी पी लिया करें। दिन में एक ही बार काफ़ी है, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। खाने से आधा घंटा पहले लेना अच्छा है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदे मुमकिन है जी।